हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिंदी मीटिंग में। एंड इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक गेमिंग लैपटॉप के बारे में जो कि बहुत ही पावरफुल है एंड यहाँ पे लेटेस्ट लैपटॉप है। इसे जो है अगर इसमें आप गेमिंग करते हैं तो बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसी लैपटॉप में। तो इसका जो नाम है वो Alienware कोर i9 10th जनरेशन है एंड यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है। बहुत ही जो है तगड़ा लैपटॉप है, इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें आपको 15.6 इंच की जो है यहाँ पे ये एक लैपटॉप है, स्लीक लैपटॉप है जो कि आता है 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ में एंड 10th जनरेशन का इंटेल कोर जो है इसमें लगा हुआ है जो कि 10980H के प्रोसेसर है एंड यहाँ पे एनवीडिया का GeForce RTX 2080 सुपर आपको मिल जाता है जो कि मैक्स क्यू डिज़ाइन के साथ में आता है जो कि 8GB GDDR6 है एंड यहाँ पे आपको जो है रिच विजुअल्स देखने को मिलेंगे आप जब गेमिंग करेंगे एंड जो है 12 फेज वाला हाइपर एफिशिएंट वोल्टेज रेगुलेशन भी इस लैपटॉप में देखने को मिलता है। ये लैपटॉप जो है वो 2.5 kg का है एंड आपको एनहांस्ड परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। लाइट वेट है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी मैग्नीशियम एलॉय मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं तो जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है इस लैपटॉप की, स्लीक लैपटॉप है एंड i9 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिलता है इसमें आपको 8 कोर्स देखने को मिलेंगे एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे डिलीवर करते हैं पावर पैक परफॉर्मेंस एंड इस लैपटॉप में जो है आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक 4K OLED डिस्प्ले है 400 nits ब्राइटनेस के साथ आता है। DCI-P3 कलर गैमेट देखने को मिलता है इसी डिस्प्ले में एंड यहाँ पे आप जो है हाई क्वालिटी के विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो विजुअल्स एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि एक 4K OLED का इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 300 nits की ब्राइटनेस के साथ आता है, सॉरी 400 nits की ब्राइटनेस के साथ में आता है एंड यहाँ पे कीबोर्ड जो है कीबोर्ड में आपको काफ़ी अच्छा जो है बिग कीस देखने को मिलेंगे एंड 1.7 mm का जो ट्रैवल डिस्टेंस मिलता है। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, कीस की कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा देखने में दिखता है आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट बटन्स के लिए एंड यहाँ पे जो गेमिंग सेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको जो टच पैड होता है जिसे माउस कहते हैं टच पैड कहते हैं वो आपको जो है ग्लास का मिलता है तो ग्लास का मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस गेमिंग सेशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं एंड यहाँ पे और भी मैं फीचर्स बताऊँ जैसे कि आपको क्या मिलता है इस लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप के साथ जो है पावर अडेप्टर यूज़र गाइड वारंटी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। मॉडल नंबर इसका M15R3 है, लूनर लाइट कलर में जो है ये लैपटॉप आपको देखने को मिलता है एंड ये गेमिंग लैपटॉप तो है ही पर इसमें आप जो प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ होगा एंड यहाँ पे आपको जो है 12 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि जो है आपको कौन सा जो है कैसा यूज़ करते हैं उसके हिसाब से जो बैटरी बैकअप इस पर डिपेंड करता है पर 12 आवर्स का जो है यहाँ पे कंपनी की तरफ से बैटरी बैकअप दिया गया है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है तो आप अपने काम वगैरह ऑफिस के काम भी इसमें कर सकते हैं गेमिंग के साथ एंड जो है इसमें आपको 8GB की रैम जो ग्राफिक रैम है ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी होती है वो 8GB की मिलती है जो कि GDDR6 है। यहाँ पे इंटेल की तरफ से आपको कोर i9 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। SSD कैपेसिटी जो है आपको 1TB की मिलती है एंड 32GB की रैम है, DDR4 टाइप वाली रैम मिलती है तो इजीली आप जो है बहुत ही आसानी से बहुत सारे मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं एंड 2.4 GHz का टर्बो बूस्ट है, जो क्लॉक स्पीड है वो 2.4 GHz है, टर्बो बूस्ट के साथ 5.3 GHz तक जो है इसकी क्लॉक स्पीड हो जाती है। दो स्लॉट्स आपको मेमोरी स्लॉट्स मिलते हैं जहाँ पे आप जो है 32GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपनी रैम को एंड एनवीडिया GeForce RTX 2080 वाला जो है आपको ग्राफिक प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि आता है मैक्स क्यू के साथ में। 8 कोर्स देखने को मिलते हैं, 64-bit का ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है आपको जो विंडोज 10 पहले से ही इसमें देखने को मिलेगा। माइक भी मिलता है RJ45 जो है यहाँ पे ऑप्शन इसमें मिल जाता है
एंड यूएसबी के पोर्ट्स में बात करूँ, फर्स्ट जनरेशन वाला 3.2 जो यूएसबी होता है वो दो मिलेंगे, 3.2 जो होता है वो एक मिलेगा, एंड यूएसबी टाइप सी भी एक देखने को मिल जाएगा, एंड एचडीएमआई का पोर्ट एक मिल जाएगा, 3-in-1 कार्ड रीडर मिलता है जिसमें आप एसडी, एसडीएससी, एसडीएक्ससी वाले कार्ड जो है यहाँ पर रीड करा सकते हैं। एंड जो इसकी स्क्रीन है वो 15.6 इंच की है, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है, UHD है, अल्ट्रा HD आता है यानी कि 4K डिस्प्ले है, OLED बैकलिट डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, एंड जो कलर गैमेट है वो जो DCP3 कलर गैमेट होता है वो आ जाता है, आपको काफ़ी अच्छी जो है कलर्स दे देता है, एंड बिल्ट इन डुअल स्पीकर्स है, दो स्पीकर्स मिलते हैं आपको, एंड जो है किलर वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ भी 5.0 मिलता है, इसमें डिस्क ड्राइव नहीं है, 2.5 kg का लैपटॉप है, HD वेबकैम मिलेगा आपको, फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिलेगा आपको, जो है कैसिंग टर्न लॉक कोड मिल जाएगा, एंड जो है बैकलिट कीबोर्ड तो देखने को मिलता ही है, टचपैड भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे ग्लास का मिल जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 इसमें देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँ इस जो एलियन वेयर कोर i9 10th जनरेशन वाला जो ये लैपटॉप है, इसके प्राइस जो है 3,30,806 रुपीज़ है, माना कि जो ये प्राइस है काफ़ी हाई है, पर जो लैपटॉप है वो काफ़ी दमदार है, यहाँ पे ऐसा लैपटॉप जो है आपको इसी प्राइस रेंज में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अच्छी स्क्रीन भी आपको 4K स्क्रीन देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस दे देगा ये। तो कैसा लगा आपको ये लैपटॉप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।